हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाते हैं। अब सबसे पहले एक पैन रख लेते हैं गैस में। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। गैस को ऑन कर देते हैं। अब पानी को बॉयल होने देंगे। पहले पानी बॉयल होने लगा है, अब गैस को लो फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। ये देसी घी है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। ये आधा चम्मच लहसुन को मैंने कद्दूकस कर लिया था, इसको भी डाल देते हैं। ये आधा चम्मच अदरक, इसको भी कद्दूकस कर लिया था। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच से कम। अब इसको भी मिला लेंगे। गैस को लो फ्लेम में ही रखें। अब इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा, जिससे मैंने पानी नापा था उसी से ये चावल का आटा है, इसको भी डाल लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को लो फ्लेम में रखें, इसको लगातार मिक्स करते रहें जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं, ये गाढ़ा हो गया है। अब गैस को ऑफ करने के बाद इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, ये अच्छे से फूल जाए चावल का आटा, उसके बाद देखते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं, इसको देख लेते हैं। चावल का आटा फूल भी गया है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो गया है। अब ये 2 बॉयल आलू हैं, इनको इसी में कद्दूकस कर देते हैं। अब आलू कद्दूकस हो गया है, अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, एकदम स्मूथ सा चिकना सा डो तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट। अब फिर से हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे, अब इसको गोल कर लेते हैं ऐसे करके। ये देखिए एकदम गोल हो गया है। अब इसको थोड़ा सा चिपका देते हैं ऐसे करके। अब एक पानी की बॉटल ले लेंगे, इसमें डिजाइन बनाएंगे। ऐसी बॉटल सभी के पास होती है, इसमें थोड़ा सा ऐसे पुश कर देंगे हल्का सा। ये देखिए बन गई डिजाइन। अब इनको एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब इसी तरह दूसरा बना लेते हैं। अभी सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं, अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में कढ़ाई रख के इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है, और गैस को हाई फ्लेम में कर दिया है। अब पानी को बॉयल होने देते हैं, ढक देंगे तो जल्दी से बॉयल हो जाएगा। अब पानी बॉयल होने लगा है, ये देखिए। अब इसी में नाश्ते को डाल देते हैं। अब सारे नाश्ते को मैंने डाल दिया है, अब इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। ये 5 मिनट में पक जाएंगे। अब गैस को मीडियम फ्लेम में कर देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब इनको देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर तैर के आ गए हैं, एकदम हल्के हो गए हैं, अभी पक गए हैं, इनको बाहर कर लेते हैं। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इनको एक बाउल में इनका पानी छान के निकाल लेते हैं ऐसे करके। अब गैस में फिर से कढ़ाई को रख देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं करी पत्ता। ये 6-7 पत्तियाँ थी, मैंने इनको छोटा छोटा काट लिया है। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी, आधा चम्मच लहसुन कद्दूकस की हुई, और ये थोड़ी सी अदरक, इसको भी डाल देते हैं। अब इनको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, केवल 4-5 सेकेंड केवल मिक्स कर देना है। गैस को एकदम लो फ्लेम में रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, ये 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी पीसी लाल मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा तीखा ना होने पाए। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसी में ये नाश्ते को डाल देंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं चटनी से, ऐसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं और अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसको थोड़ा सा तड़का लगा रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब थोड़ा सा नमक कम होगा तो नमक और डाल लेते हैं। अब इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। नाश्ता को जब मैंने बनाया था तब नमक डाला था, इसीलिए थोड़ा सा नमक डालना है। अब नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। ये चावल के आटे का नाश्ता बनके तैयार है, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।